नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनमोल आइडियाज़ पे। मेरा नाम है अनमोल और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये हेडसेट। ये गेमिंग हेडफोन है जो कि आजकल आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर आपको गेम खेलना है इसलिए, या फिर अगर आपको अपने लेक्चर्स अटेंड करने, या फिर आप टीचर हैं किसी को लेक्चर दे रहे हैं। ये बेस्ट हेडफोन है इन बेस्ट प्राइस विथ माइक। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। बॉक्स को ओपन कर लिया है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आता है ये बिल। बिल को साइड में हटा देते हैं। बिल के अलावा आप देख सकते हैं ये है हमारा गेमिंग हेडफोन। ये बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पे ऊपर कॉस्मिक बाइक की ब्रांडिंग दी हुई है। ये सेम हेडफोन है मेरा, तो आप इसका ओवरलुक इस पे ही देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है G400। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेमिंग लैपटॉप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने PS4 लैपटॉप और Xbox One पे। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने स्मार्ट टीवी से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक हैंडल दिया है, ये काफ़ी अच्छा है अगर आपको इसे कहीं इस तरह हुक पे रखना है। यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन है कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, इसके बारे में हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ये है कुछ स्पेशल फीचर्स इसके बारे में। इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है 1250 रुपीज़, और इसकी वारंटी दी गई है 1 मंथ की फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। तो चलिए अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करते ही सबसे पहले आप देखेंगे तो ये वायर है जो कि है इसका केबल, और ये है हमारा हेडफोन। हेडफोन के साथ हमें इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये बबल रैप के अंदर है हमारा गेमिंग हेडफोन। ये वेट इसका बहुत लाइट वेट है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो माइक दिया हुआ है वो लेफ़्ट साइड है, ये आप L का सिंबल देख सकते हैं, तो लेफ़्ट साइड माइक दी गई है। ये बहुत ही अच्छी कुशनिंग है और यहाँ की भी कुशनिंग बहुत ही अच्छी है। ये आप देख सकते हैं कितना फ्लेक्सिबल है, टूटता नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा प्लास्टिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग, और ये बहुत ही अच्छा, आप माने मेरी सलाह में कि ये बहुत ही अच्छा हेडफोन है किस गेमर्स के लिए और सबके लिए जो इससे यूज़ करना चाहते हैं विथ माइक। इसमें कुछ सारे फीचर्स हैं वो भी आप देखिए, यहाँ पे भी लिखा है कि वारंटी के बारे में कि इसकी वारंटी कब तक है। अगर आपके हेड की साइज़ बड़ी है तो आप इससे एक्सपांड भी कर सकते हैं। और ये एक ओवर ईयर हेडफोन है, इसमें यहाँ पे जो है वो लाइट जलता है और यहाँ पे, तो अगर आपको इसकी लाइट देखना है तो मैं लाइटिंग दिखा देता हूँ। उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पे आपको मिलता है 3 आउटलेट। इसमें होता है 2 3.5 mm जैक, 2 किस लिए होता है, एक सिर्फ ऑडियो के लिए और एक ऑडियो एंड माइक के लिए, और एक ये USB केबल होता है। ये इसलिए कि आप कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं तो उससे कनेक्ट करके लाइट ऑन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसकी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड लाइट ग्लो कर रही है। इसे और अच्छे से देखने के लिए आप ये देखिए, ये मैंने पास की लाइट ऑन कर दी है, तो आप इसमें देख सकते हैं कितना अच्छा दिखता है। और ये गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। प्लस अगर आप इसके कंफर्टेबिलिटी के लिए बात करेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि अगर किसी का हेड साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो ये माइक को आप ऊपर करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, और फिर इसे यहाँ पे ऐसे साइड में हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं तो ये आपको एक मिलता है USB के बीच में अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा रोलिंग डिस्क होता है जिसके मदद से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन होता है माइक ऑन ऑफ का, यानी कि आप प्ले कर रहे हैं, आप फिर आप कभी कुछ बोल रहे हैं तो आपको माइक ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं। इसमें भी ये जगह है, यहाँ पर लाइट ग्लो होती है, और यहाँ पे 2 केबल कनेक्ट करना होता है। तो अगर आप अपने PC फ़ोन में करेंगे तो जनरली 2 केबल का ऑप्शन नहीं होता है। इसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा है, ये देखिए 1 in 5 हेडफोन ईयरफोन का प्रोडक्ट। तो इसमें आप इस दोनों ये लगा सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन बेसिक से ख़रीदा है।
आपको इसकी लिंक मिल जाएगी ऊपर आई बटन पे, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये है, और इससे मैं एक ही पोर्ट से कनेक्ट करके ये अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तो आप अगर देखेंगे कि ये मेरा फेस है, ये माइक है, तो इसकी दूरी है कुछ 1 इंडेक्स फिंगर जितनी दूर। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये इसके माइक के बारे में, तो ये माइक है, ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद ये जैसे कि साइड में है, तो इसमें आप जो बोलते समय एयर निकालते हैं वो नहीं कैरी करता है, और ये साइड से आवाज़ चली जाती है। और ये भी बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए, मतलब ये बहुत ही हैंडी टाइप है कि अगर आप खेल रहे हैं और आपको माइक ऑन ऑफ करना है तो इससे आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा इस कलर की बात करें तो ये है रेड कलर का हेडफोन, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है ओवर ईयर के लिए। ये रेड कलर का हेडफोन है, इसके और कलर वेरिएबल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लू कलर, और या फिर इसमें मिलता है पिंक कलर, और एक और रेड मिलता है जिसमें ये जो शाइनी पार्ट है वो मैट रेड फिनिश से होता है और मैट ब्लू फिनिश होता है, जो रेड और ब्लू के वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो। तो अब जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं वो आवाज़ मैंने रिकॉर्ड की है इस गेमिंग हेडफोन की मदद से। इस वक्त आप सुन सकते होंगे कि कैसा आवाज़ आ रहा है और क्या क्वालिटी है, क्योंकि अभी मैंने अपना फ़ैन ऑन किया है, तो उसमें आप सुन भी सकते होंगे कि नॉइस कैंसिलेशन कैसा है और मेरी वॉइस की क्वालिटी कितनी अच्छी है। क्योंकि इस माइक को मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, और आप देखिए आपको कैसा लग रहा है और गेमिंग के समय इसका कैसा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइक ऑन किए हैं और आप अगर वॉल्यूम कम कर देते हैं तो आपका वॉल्यूम, जैसे मैं अभी कम कर रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, पर वॉल्यूम बढ़ाने से आपको आवाज़ लाउड सुनाई देता होगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। जय हिंद।